हे गाइस, अगर आपका बेबी गर्ल है और उसका जेनिटल एरिया आप रेगुलर क्लीन नहीं कर रहे तो मे बी आपको सर्जरी तक लेके जाएगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो माइनर क्रीम के साथ भी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है जेनिटल क्लीनिंग। तो आज के वीडियो में कंप्लीट जेनिटल क्लीनिंग कैसे करते हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जो मे बी सर्जरी का भी जरूरत आए, तो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज के वीडियो में वही आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी, तो मस्ट वॉच। गाइस, वेलकम टू माय चैनल मॉम टॉक्स इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिसका बेबी गर्ल है। यस गाइस, आज बेबी गर्ल प्राइवेट एरिया क्लीनिंग के बारे में बताने जा रही हूँ और भी बताऊंगी कि अगर हम लोग अच्छे से क्लीन ना करें तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम एंड क्या वो मेजर है आई एम माइनर है, ये भी मैं बताऊंगी। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो चलिए, जनरल एरिया क्लीनिंग प्राइवेट एरिया क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो, एडल्ट हो, चाइल्ड हो, टीनेजर हो, सबके लिए, तो वैसे भी बेबी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जैसे हम लोग बॉडी पार्ट्स बेबी का क्लीन करते हैं वैसे ही रेगुलर हम लोगों को प्राइवेट एरिया भी क्लीन करना जरूरी है। सो चलिए गाइस, बताते हैं कि क्लीनिंग कैसे करते हैं। एज यूजल, आप जैसे नहाने के टाइम में बेबी को हर कोने में, जैसे अंडर आर्म्स हो, योर बैक हो, नी बैक हो, वो सब एरिया जो स्किन फोल्डिंग एरिया है वो अच्छे से क्लीन करते हैं, वैसे ही आप बेबी प्राइवेट एरिया को भी क्लीन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी नहाने के बाद, पूरा बॉडी क्लीन होने के बाद, बेबी को अच्छे से उसका जो प्राइवेट एरिया का जो लिप्स है, वेजनल लिप्स है, जो लेबिया माइनोरा लेबिया मिजोरा एरिया है, उसको आप स्लाइटली सेपरेट कीजिए ऐसा पकड़ करके। देन साइड में डिस्चार्ज व्हाइट कलर सब्सटेंस कुछ हो सकते हैं एंड घबराने की कोई बात नहीं, वो व्हाइट कलर सब्सटेंस होते ही है क्योंकि जब भी बेबी हम लोग के वूम में रहते हैं उस टाइम में हम लोग का हार्मोन्स जो उसके बॉडी में रह जाते, इसीलिए कभी कभी ये होते रहते, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं, दैट इज अ नॉर्मल। और अगर ये बहुत टाइम से कंटिन्यू कर रहा है और ज्यादा हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। सो गाइस, इसी वजह से हम लोगों को रेगुलर क्लीन करना पड़ता है कि वो डिस्चार्ज कभी कभी बहुत हार्मफुल हो सकते हैं बेबी के लिए। तो एक्चुअली क्या हार्मफुल हो सकता है ये मैं जरूर बताऊंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नहाने के टाइम में आप वो वाला पार्ट आप सेपरेट करके, वेजनल लिप्स को सेपरेट करके वाटर से अच्छे से वॉश कीजिए, आप नहीं तो कोई सॉफ्ट कॉटन से आप पानी में भिगो के अच्छे से उसको क्लीन कीजिए, नहीं तो कॉटन बॉल से आप क्लीन कर सकते हैं एंड आप वाइप भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो अल्कोहल फ्री फ्रेग्रेंस फ्री वाइप्स हो वैसा आप भी यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ज्यादा वाइप्स यूज करना आई डोंट रिकमेंडेड। अगर आप बाहर में जाते हैं तो ठीक है, अगर घर में है तो क्लोज, नहीं तो विथ योर हैंड्स, नहीं तो कॉटन बॉल्स जो मिल जाते हैं मार्केट में आप वो यूज कर सकते हैं, दैट इज बेटर देन ऑल दोस थिंग, बिकॉज ऑल टाइम आर्टिफिशियल थिंग्स में, जो प्रोडक्ट्स में, कुछ ना कुछ तो रहता ही है जितना भी हम लोग कोशिश करें ना करें। सो ये हो गया नहाने के टाइम में कैसे क्लीन करने, और सिर्फ नहाने के टाइम में ही, दिन में एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए जब भी आप डायपर चेंज करें, तब भी अगर आपका बेबी डायपर्स रेगुलर यूज करते हैं तो, और नहीं तो ऐसे भी आप दिन में 2-3 बार आप क्लीन करने की कोशिश कीजिए। जब आफ्टर यूरिन, आफ्टर पोटी तो आप क्लीन करती हैं, आफ्टर यूरिन आप रेगुलर उसको स्लाइट स्मूथ वाटर से आप क्लीन कीजिए ताकि वो सेफ रहे। अगर रेगुलर क्लीन नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। गाइस, प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लगेगा अभी कुछ नहीं है, बट ये धीरे धीरे बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स, वो जो वाइल्ड डिस्चार्ज है, वो जो वेजनल का लिप्स में जो अटका हुआ रहता है
वो कभी कभी आपका जो वैजिनल लिप्स को बेबी का ऐसा क्लोज कर देगा, जो ऐसा खुला हुआ है उसको क्लोज कर देगा। वो व्हाइट डिस्चार्ज जम जम के उसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करके एडिशन हो जाता है, उसको एड हो जाता है दोस्त की। तो बाद में कभी भी ये प्रॉब्लम हो सकते है, ताकि बेबी को यूरिन करने भी प्रॉब्लम हो सकते है, पेन हो सकता है, उसको इरिटेट हो सकता है वहां पर। तो अगर माइनर है तो कभी कभी क्रीम से वो खोल जाता है, नहीं तो कभी सर्जरी में भी जाना पड़ता है अगर ये बहुत क्रीम से नहीं ओपन हो रहे। पर सर्जरी वो जनरल एनेस्थीसिया से ही होती है, दैट इज नॉट अ मेजर थिंग, ये ओपन हो जाते हैं। और एक चीज हो सकता है, आपका जो वेजनल कैनल है, बेबी का जो वेजनल कैनल एरिया है जो यूरेथ्रा के ठीक नीचे है, तो वहां पर भी वो डिस्चार्ज जम जम के एक थिक लेयर बना देते हैं, वहां पर भी एडिशन हो जाते हैं, वहां पर भी बंद हो जाते हैं, वो वेजनल कैनल बंद हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर कुछ था ही नहीं, यू विल कंफ्यूज इन द जेंडर, ऐसे भी हो जाते हैं, फुल प्लेन हो जाता है। इसीलिए उसी टाइम में भी इट गेट वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी होता है कि यूरेथ्रा भी बंद हो जाते हैं, तो यूरिन में प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में यूरोलॉजी को दिखाना पड़ेगा, यूरोलॉजी सर्जरी भी करना पड़ सकती है अगर मेजर हो, और माइनर होने से तो क्रीम से ही ठीक हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन आपके बेबी को ना आए, इसीलिए वेजिनल क्लीनिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो गाइज ये था प्रॉब्लम्स। तो नहाने के टाइम में कैसे क्लीन करना सब बता दिया मैंने, आफ्टर डायपर क्लीनिंग और आफ्टर यूरिन आप रेगुलर वाटर से, नहीं तो कॉटन क्लोथ जैसे बताया, नहीं तो कॉटन बॉल से आप क्लीन कीजिए एरिए को, अच्छे से क्लीन कीजिए, एंड साइड वाइज डिस्चार्ज को अच्छे से स्लाइटली पकड़ के। ध्यान रखिए बेबी है स्किन, वो जेनिटल एरिया नॉर्मली एडल्ट का भी वो बहुत सॉफ्ट होता है, बेबी का तो और सॉफ्ट होगा, तो इसलिए स्लाइटली ध्यान रख के ज्यादा रब मत कीजिए। एंड पोटी के टाइम में भी आप सिर्फ एनस एरिया, मतलब पोटी एरिया सिर्फ क्लीन मत कीजिए, फ्रंट से बैक अच्छे से क्लीन कीजिए। जब भी क्लीन करते हैं फ्रंट से बैक अच्छे से क्लीन कीजिए, क्योंकि कभी कभी पोटी वो वेजिनल लिप्स में भी चले जाते हैं, तो वहां पर भी वो बार कुछ सब्सट्रेक्शन अंदर में चली जाते हैं वेजिनल कैनल एरिया में, तो बाद में वो प्रॉब्लम हो सकते है बेबी के लिए। इसीलिए अब वेजिनल कैनल एरिया ये छोटा है, पर ये नहीं कि हल्के से करके चले जाए, नहीं, वो आप अच्छे से वो एरिया को रब करके क्लीन कीजिए, जोर से मत कीजिए, पर उसी जगह को भी अच्छे से फिंगर सेपरेट करके क्लीन कीजिए, ताकि वो बंद ना हो जाए, और रेगुलर चेक करते रहिए ये बंद ना हो जाए, क्योंकि दैट इज अ बिग इशू जो आपके बेबी फेस कर सकते हैं, नहीं तो आप भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि मदर्स या फादर। इसके बीच में कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है, जो करना है या नहीं करना है। सो इसमें तो आप सफाई कर ही लेंगे, पर ध्यान रखिए सफाई करने के बाद वहां पर पानी मत रखिए, पानी को आप ड्राई सॉफ्ट टॉवल से आप टैपिंग रब मत कीजिए, रब करने से हार्म हो सकते हैं, तो टैपिंग वाइज आप वो जगह सुखा लीजिए, ड्राई कीजिए। उसके बाद आप कोकोनट ऑयल, नहीं तो कोई भी लोशन क्रीम, बेबी रैशेस क्रीम आप वहां पर यूज कर सकते हैं, ताकि कोई डायपर रैशेस ना हो, कोई रेड रैशेस उस जेनिटल एरिया में ना हो। सिर्फ डायपर पहनाने के टाइम में ही ड्राई करने का जरूरत है, ये बात नहीं है, जितने बार आप वॉश करवाएंगे उतने बाद ही आप ड्राई कीजिए, तभी उसको पैंट्स नहीं तो ड्रेस पहनाइए, दैट विल बी बेटर। और एक चीज जो नहीं करना है, वो आप टेल्कम पाउडर वहां पर यूज मत कीजिए, क्योंकि वो वहां पर जम जाएंगे और भी बड़ा हार्मफुल हो सकता है, अगर अंदर रह जाए, साइड में रह जाएंगे और लग जाएगा टेलकम, तो और भी इरिटेट और भी एक्स्ट्रा कुछ इफेक्ट हो सकता है। सो गाइज आप ध्यान में रखिए, टेलकम वहां पर यूज मत कीजिए। सो आज के वीडियो इतना ही, रेगुलर जेनिटल एरिया क्लीन करते रहिए बेबी का ख्याल करते रहिए, डायपर रेगुलर टाइम टू टाइम चेंज कीजिए, चेक कीजिए, पुप हो जाए तो ज्यादा उसमें मत रखिए, उससे भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ खास लेके आने की कोशिश करूंगी, और आप लोग जरूर कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, मैं उसमें जरूर बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।